हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्चना और आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हेयर ग्रोथ सीरम। जी हाँ फ्रेंड्स, अभी सर्दियाँ शुरू हो गई है जिससे बाल बहुत ही ज्यादा रफ एंड ड्राई रहने लगे हैं, साथ ही बालों का झड़ना बहुत ही तेजी से होने लगा है। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसे ही हो रहा है? मेरे भी बाल बहुत ही तेजी से झड़ने शुरू हो गए थे और मैं कुछ दिनों से अपने बालों पे ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। फिर मैंने बनाई है हेयर ग्रोथ सीरम, जिसको केवल एक बार लगाने से ही मेरे बालों का झड़ना एकदम से गायब ही हो गया और जो झड़े हुए बाल है ना दोबारा से आने शुरू हो गए। तो ये जो हेयर ग्रोथ सीरम है इतना ज्यादा असरदार है कि अगर गंजे सिर पे भी लगा दिया जाए ना तो जरूर बाल उगली आएंगे। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इस सीरम को, जो कि आपके बालों को झड़ना रोकता है बहुत ही तेजी से, बालों को लंबा घना और मजबूत बनाता है और बालों की जो प्रॉब्लम्स है उन सबको गायब करता है। इस हेयर सीरम को बनाना भी उतना ही ज्यादा आसान है और इसको अप्लाई करना भी, तो आप जरूर बनाइए और अपने हेयर केयर रूटीन में आप इसको शामिल कर सकते हैं। हफ्ते में केवल दो बार आपको लगाना है, उतने में ही आपके बालों की प्रॉब्लम्स एकदम गायब हो जाएंगी। बालों का टूटना, झड़ना, दुमुहे बाल होना, रफ एंड ड्राई बाल है बहुत ही तेजी से अगर बाल झड़ रहे हैं ना, तो ये रेमेडी बहुत ही ज्यादा असरदार होने वाली है आपके बालों के लिए। तो उसके लिए फ्रेंड्स पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, एक भी स्टेप मिस नहीं कीजिएगा। और हमारे चैनल पर न्यू अगर आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। स्किन केयर, हेयर केयर से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ, जो की बहुत ही ज्यादा असरदार होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग के साथ शेयर करते हैं ये आज का रेमेडी। तो उसके लिए सबसे पहले हमने लिया है ग्रीन टी एक पैकेट। अगर आपके पास ग्रीन टी नहीं हो तो आप नॉर्मल टी ले सकते हैं, जो चाय बनाकर पीते हैं ना वो, तो उसको हम फूलने के लिए रख देंगे। हल्का सा गर्म पानी ही मैंने रखा था, लगभग रात भर के लिए भिगो के छोड़ दिया था। ग्रीन टी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, बालों को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज तो रखता ही है, बालों का झड़ना भी रोकता है तेजी से, बाल लंबे और घने मजबूत बनाता है। तो इसको मैंने 10-12 घंटे के लिए रखा था। और एक प्याज मैंने लिया है लाल रंग का, छोटा सा मीडियम साइज का प्याज, जिसको हम पीस लेना है बारीक। तो अलग से कोई पानी नहीं डालेंगे, यही ग्रीन टी वाला पानी हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता ही है प्याज कितना ज्यादा असरदार है हमारे बालों के लिए, कितना ज्यादा फायदेमंद है हेयर ग्रोथ करने के लिए, झड़े हुए बालों को दोबारा लाने के लिए बहुत ही ज्यादा असरदार होता है। तो अब इन सबको छान लेंगे एक छन्नी से और इसका जो रस है वो हमें चाहिए होगा, और अभी इंग्रेडिएंट्स उसमें हम ऐड करेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। फ्रेंड्स प्याज और जो मैंने ग्रीन टी डाला हुआ है बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, बालों को सॉफ्ट और मॉइस्चराइज तो रखता ही है, एक तरह से कंडीशनरिंग करता है, बालों की स्काल्प जो होती है ना वहाँ पे नमी बनाए रखता है, ड्राइनेस को दूर करता है। अगर आपके बालों के जरों में जो चिपचिपापन हो रही है तो वो सबको ये खत्म करेगा, और साथ ही साथ बाल जो झड़ गए हैं दोबारा से आने शुरू हो जाते हैं, ये बालों के स्काल्प के अंदर लेयर तक जाकर जो बेनिफिट्स देती है ना वो गजब का होता है, जिससे हमारे बाल झड़ना एकदम से गायब हो जाते हैं इंस्टेंटली। और मैं इसको इस तरह से डाल ले रही हूँ बोतल में, बस DIY, ये कन्वर्टर था मेरे पास, कोई ऐसा नहीं था जो मैं बोतल में डालने में उतनी आसानी नहीं हो पा रही थी, फिर उतना माइंड मत कीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसमें ऐड कर ले रहे हैं 1 चम्मच के आसपास कैस्टर ऑयल। आप चाहे तो इसमें 2 विटामिन E कैप्सूल जरूर मिलाइए अगर आप अपने बालों को तेजी से लंबा करना चाहते हैं। तो मैं बस जल्दी जल्दी में बना रही थी तो मैंने कोई विटामिन ई कैप्सूल वगैरह नहीं डाला। आप इसमें एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो ये दो तीन इंग्रेडिएंट्स जो मैंने डाले हैं ना उतने में ही बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क करने वाला है। तो ये जो कॉम्ब आप देख रहे हैं ये हमने लिया है डाबर वाटिका हेयर ऑयल वाला, जो आप लोगों ने वीडियो देखा हुआ था उसी के साथ मुझे मिला था ये कॉम्ब, और इतना ज्यादा असरदार है वो तेल भी, और ये कॉम्ब भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, और ये कोई भी बॉटल में बहुत ही इजिली फिट हो जाता है। तो ये जो रेमेडी हम लगाएंगे और इस कॉम्ब के सहारे लगाएंगे तो बालों की जड़ों तक जाएगी ये जो रेमेडी है, और अंदर लेयर तक जाकर हमें बेनिफिट से देने वाली है। तो उसके लिए अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब कर लीजिएगा, सुलझा लीजिएगा बालों को, उसके बाद इससे हम अप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से, जो कि आप देखेंगे और इतनी जल्दी इतनी आसानी से हो जाते हैं हमारे बालों की जड़ों तक ये रेमेडी पहुंच जाती है ना कि मैं बता नहीं सकती फ्रेंड्स। अगर आपके पास ये कॉम्ब नहीं है तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आप कॉटन की मदद से बालों की जड़ों तक इसको लगा सकते हैं, बालों की जड़ों तक इस रेमेडी को पहुंचाना है बस, उसके बाद आपके बालों के प्रॉब्लम्स एकदम जड़ से गायब हो जाएंगी। बालों में अगर डैंड्रफ आदि की प्रॉब्लम है, बाल बहुत ही तेजी से झड़ रहे हैं, तो उसमें बहुत फायदा मिलेगा।
कुछ लोगों का मानना है कि प्याज का रस लगाने के बाद जब बाल धोते हैं तो बाल तेजी से झड़ने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जब प्याज का रस वगैरह ये सब रेमेडी लगाते हैं जो थोड़ा सा उसका स्मेल उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता तो हम ज्यादा शैम्पू यूज कर लेते हैं। तो आप प्लीज ज्यादा शैम्पू यूज ना करें इसके लगाने के बाद। तो पहले हम इसको लगाएंगे और आधे घंटे के लगभग रखना है, लेकिन उससे पहले हल्का सा मसाज करेंगे अच्छे से, स्किन जो स्कैल्प होती है ना उस पर ये रेमेडी पहुंच जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो और भी बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिस वजह से हमारे बाल जो है झड़ने लगते हैं, तो उन सब वजहों को दूर करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। केवल रेमेडी लगाने से ही नहीं होता फ्रेंड्स, और भी केयर करनी पड़ती है, लेकिन ये जो रेमेडी बहुत ही अच्छे से वर्क करता है सच में। तो इस तरीके से पूरे बालों की जड़ों तक पहुंचना चाहिए और स्कैल्प की अच्छे से मसाज करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा जिससे बालों की जो झड़ने की प्रॉब्लम है वो गायब हो जाएंगी और दोबारा से बाल आना चालू हो जाते हैं। बालों की जड़ों में जो परतें जमी हुई रहती है उसको ये एक्सफोलिएट करता है अच्छे से, जो कि रूसी का आकार ले लेती है, तो उन सबको ये हटाती है और जो बाल हमारे नहीं उग पा रहे होते हैं ना उन सबको ये दूर करता है, बालों के उगने में मदद करता है। तो बहुत ही ज़्यादा असरदार ये होम रेमेडी है, तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर कोई रिक्वेस्ट सजेशन सलाह हो या फिर आप अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमें कॉमेंट करके। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा आईडी है अर्चना दीक्षा, और हमने एक न्यू चैनल भी क्रिएट किया हुआ है अर्चना झा ब्लॉग, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स आप लोगों के साथ हाल ही में मैंने विंटर स्पेशल बहुत सारे स्किन केयर रूटीन शेयर किया हुआ है, ज़रूर चेक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारे का लिंक या फिर एंड स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स पूरे बालों की जरूरत तक बहुत ही अच्छे से मैंने लगा लिया और पूरे बालों में भी लगभग लगा लिया और उसके बाद हल्का सा मसाज भी कर लिया था। और मेरे बेटी के आगे से बाल जो है झड़ चुके हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित हुआ, उसको भी मैंने थोड़ा सा एक दिन ही लगाया था फिर बोली मुमान बाल आने शुरू हो गए हैं। तो ये प्याज का रस उतना ही ज़्यादा असरदार होता ही है, साथ ही इसमें मैंने कैस्टर ऑयल भी डाला हुआ था, वो भी हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो इस तरह से इस रेमेडी को मेल फीमेल कोई भी यूज कर सकता है, टीनेजर्स भी यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने हल्का सा शैम्पू किया, ज्यादा शैम्पू भी नहीं किया, 30 मिनट के लिए लगभग रखा था, उसके बाद शैम्पू किया और देख पा रहे फ्रेंड्स बाल कितना ज्यादा सिल्की शाइनी एंड स्मूथ दिख रहा है, और जो आपके झड़े हुए बाल होते हैं ना वो भी आने शुरू हो जाते हैं। तो आप इसको कंटिन्यू लगाइए हफ्ते में 2 बार और बस 1 महीने में ही आप फर्क देखेंगे कि आपके बाल बहुत ही तेजी से लंबे घने होने लगेंगे, दोबारा से बाल जो है उगने लगेंगे, हेयर ग्रोथ एकदम से बढ़ने लगेगा, साथ ही साथ बालों के सफेद होने की प्रॉब्लम उनसे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो ये रेमेडी एकदम नेचुरल है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप सभी बहुत ही इजिली इसको लगा सकते हैं। तो आज का ये वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।